इस चुनावी सभा में सबसे पहले तो चार घंटा देरी से मैं आपके बीच आया, चार पांच घंटा, उसके लिए माफी चाहता हूं। दीपावली के कार्यक्रम थे, लेट हो गया, लेकिन मेरी इच्छा थी कि एक बार मेरी उपस्थिति इस आमेर विधानसभा क्षेत्र के अंदर, जिसने सबसे ज्यादा पिछले 15 साल के अंदर आईपी गठन से लेके ये जो नौजवानों की टीम बैठी यहाँ पे मंच पे, सामने आप लोग खड़े हैं, माताएं बहने बैठी, ये चाहते हैं कि आरएलपी का गठन हो, आरएलपी की सरकार बने। सबसे ज्यादा जोश और जुनून के साथ अगर मुझे ताकत दी तो जयपुर के आमेर, बदरू, झोटवाड़ा से ये तमाम जो विधानसभा क्षेत्र है, हनुमान बेनीवाल को मई ताकत नहीं मिला। आज आपके बीच अपनी उपस्थिति दर्ज करा के भाई विनोद जाट जो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के प्रत्याशी है, और सबसे बड़ी बात ये अपने इलाके के दुर्भाग्य देखिए कि जयपुर जिले को लोगों ने चारागाह बना के रख दिया, तो उनको चारागाह बना दिया। मालपुर हर कोई जाता था पहले, जीत रहे दो बार से वहां का लोकल जीत रहा होगा। आप अलग अलग सीटों का नाम अभी नहीं लूंगा, कहीं कहीं गड़बड़ हो जाएगी। राजनीतिक रूप से आप गए, अभी 15 साल से मैं देख रहा हूँ कि जो यहाँ बच्चे मेहनत कर रहे हैं आमेर के अंदर, वो कहाँ जाएंगे चुनाव लड़ने के लिए बताओ मुझे। वो खेल छोड़ जाएंगे आमेर वाले, मैं लड़ूंगा ना वहां से। मैं आपको डिस्टर्ब नहीं कर रहा, मैं भी चाहता हूँ दो जगह से लड़ लेता, कहीं और लड़ लेता। मुझे नए लोग तैयार करने थे, नए किसान के बेटे तैयार करने थे, और विनोद को मैं धन्यवाद दूंगा, धीरे धीरे ट्रेनिंग ले लेगा, अभी तो शुरुआत है, लेकिन ये तय है अगर ये मजबूत रहा तो एक दिन बड़ा नेता जयपुर और राजस्थान का बनेगा। इसको आप आशीर्वाद दें, ताकत दें, वोट की चोट से इस बार आप बता दें इन भारतीय जनता पार्टी के बेईमानों को, जिन्होंने 1000 किसानों को कुचला था, और 1000 किसानों की शहादत के बाद तीनों कृषि बिल वापस हुए थे। मैं भी अगर सत्ता के खिलाफ सड़कों पर आया तो भारतीय जनता पार्टी के तीन काले कानूनों के लिए आया था। जो बीजेपी के प्रत्याशी वोट मांग रहे हैं वो उस समय कसीदे पढ़ रहे थे कि मोदी जी तीनों बिल लेके आए, मोदी जी ने सेना को ठेके पे लिया, ये कह रहे थे, और वही लोग आज आपके बीच वोट मांगने के लिए आए हैं। पिछली बार हो सकता है कि हमें मदद करनी पड़ गई, नई पार्टी थी, कई मजबूरियां थी, लेकिन अब की बार मदद सिर्फ राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की करेंगे। आपको आशीर्वाद अपने भाई विनोद को देना। कई लोग मुझे कह रहे थे, हमारे समाज के लोग कह रहे साहब बड़ा नेता, अरे अगर बड़े नेता होते तो इस तरह बीच में नहीं हटाए जाते। दो ही नेता वहां पे, अमित शाह और मोदी, बाकी उनकी टेबल साफ करते हैं सारे देश में। बीजेपी के अंदर किसी की कोई औकात, दो ही व्यक्तियों की औकात है, और मेरी औकात थी छोड़ के आ गया उनको, छोड़ के आ गया। जितने भी बड़े हैं कुत्ते पजामे तो बना लो, कौन बना कर टेलर नहीं, जयपुर के अंदर बना के जैसे जैकेट बना लो, आज बनते हैं सारे। मुझे तो नेताओं की ड्रेस से ही हेट हो गई, पेंट शर्ट के अंदर चल रहा हूँ, बड़ा कह बड़ी बड़ी बातें ना, मैं ही काम कर दू, वहां जाके देखो तो किसी के कदमों में पड़े मिलेंगे, पार्टी कर लेंगे नीचे पड़े। भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब, पार्टी कर लेंगे। किसानों के सबसे बड़े अगर पूछना है तो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। कांग्रेस के अंदर तो हमारे नेताओं में अकल नहीं थी, इसलिए सीएम नहीं बन पाए, लेकिन बीजेपी आपकी पार्टी नहीं, बीजेपी का गठन ही किसान कौम को मारने के लिए हुआ था। याद करो 1980 में बीजेपी बनी थी, तो बीजेपी का गठन किस मूल मंत्र के साथ हुआ था, याद रखो। भारतीय जनता पार्टी कभी आपकी नहीं हो सकती, मैं उसके अंदर रह के मैंने देखा है। उस जमाने के अंदर जब बीजेपी का झंडा लेके कोई नहीं चलता था, उसमें मेरे पिताजी झंडा उठाया था नागौर के अंदर, हम बर्बाद हो गए, बर्बाद करके छोड़ दिया इस पार्टी ने। वो तो भला हो किसान जवानों का जो सड़क से हमें सदन पे भेजा, और मैं इस ये ऋण आपका है, ऋण उतारने का प्रयास कर रहा हूँ, सत्ता को ठोकर मार के इस किसान कौम की जय जयकार के देश में कराए। मैंने तय कर लिया था जब अटल बिहारी वाजपेयी की एक बड़ी रैली थी जयपुर के अंदर, मैं बीजेपी के अंदर था, मैंने कहा मेरा भी 2 मिनट बुलवा दो, बोला आपका नंबर नहीं आएगा, बोले लखावत बोलेगा, बोले वो फलाना भंसाली बोलेगा, ढिमका बोलेगा। तो मैंने कहा साला एक दिन पार्टी भी बढ़ाऊंगा, 5-5 लाख लोग इकट्ठे करूंगा, और सबसे भाषण भी कराऊंगा आधा घंटे, देखो सारे चार आधा घंटा। भारतीय जनता पार्टी के लोग अभी आपके बीच आएंगे, चिकनी चुपड़ी बातें करेंगे, समाज का मानव कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई हारे जीते मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे मजबूत रखो आप,
मैं मजबूत रहूंगा तो अपने आप को मजबूत रहेगी, इनके मजबूत कठपुंजियों को मजबूत रहने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये लोग कहीं के कदमों में पड़ेंगे, इनको तो कदमों में पड़ना, जाके आप उठाओगे तो और कहीं पड़ जाएंगे, ये उठाओगे और कहीं पड़ जाएंगे। कई कीड़े मकोड़े होते हैं जिनकी लंबी उम्र होती है, और कई कीड़े 24 घंटे के लिए होते हैं। गोबर के ढिंढोड़े गोबर में घूमते रहते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी में जितने भी किसान पुत्र की बात करते हैं, ये जो कहते हैं हम बहुत बड़े समाज के हैं, वो आधे से ज्यादा गोबर के ढिंढोड़े हैं, ठीक है। तो गोबर में घूमते हैं, गोबर है और ढिंढोड़े हैं। तो भाइयों इस बात का ध्यान रखना है, मजबूती देनी है और विनोद को ताकत। तो ये मत देखो कि कौन जीत रहा कौन आ रहा, आपको वोट देना है बोतल के चिन्ह पर, और बोतल पे वोट डालने जाओ तो दिखना चाहिए हनुमान बेनी वाले बोतल के। मुझे पता है ये वो इलाके हैं, मजबूत इलाके, इतिहास हमने पढ़ा होगा। हमारे जो यहाँ के राज थे बड़े बड़े लोगों किसानों के, वो दूसरे लोगों ने छल कपट से छीन लिए थे इस इलाके के अंदर। मुझे खुशी होती कि मातृशक्ति बहने यहाँ बैठी है, और बहुत बड़ा जुनून जोश यहाँ के बच्चों पे, किसान के बेटों पे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अब की बार का जो रण है राजस्थान का, किसी की आंधी नहीं चल रही राजस्थान का। मोदी ऐसे चक्कर लगा रहा है जैसे मंदिर में अपने फेरी लगा थे बार बार राजस्थान में। कितना डरा हुआ प्रधानमंत्री, इतना डरा हुआ हर 3 दिन बार राजस्थान वोट मांगने आना। अरे प्रधानमंत्री जी ध्यान तो रखो यार, आप प्रधानमंत्री हो देश के, इससे क्या घूम रहे हो आप सड़कों में। मेरे अमित शाह वहां आए नागौर में तो पता ही नहीं चला जो जो उसमें तार आ गया बिजली का, ईश्वर की कृपा थी बच गए, नहीं तो वहां बेटा गायब हो जाता पता। अब शायद प्रोग्राम नहीं बनाएंगे उधर, जैसे नागौर में आए करंट आया, आगे का रास्ता छोड़ दिया, परमेश्वर तक आके वापिस चले गए। देखिए इन लोगों का एक ही काम है, चूंकि कांग्रेस कमजोर है देश के अंदर, कांग्रेस में पप्पू और बीजेपी में गप्पू। देखो संघर्ष तो करना पड़ेगा, ये तो तय है। जब अंग्रेजों से लड़े थे 200 साल संघर्ष किया, जागीरदारों से लड़ाई लड़ी हम लोगों ने, लड़ी जागीरदारों से सत्ता मुक्त, यहाँ के किसान जागीरदारी प्रथा का अंत करके किसानों का राज आया। अकाल से लड़े, हमारे नेताओं ने इतना धोखा दिया कि नेताओं से भी हमें संघर्ष करना पड़ा। आमेर से मैं पूछना चाहता हूँ कि 3-4-5 बार लगातार जो विधायक रहे क्या क्या उन्होंने नाम लेते हैं बताओ मुझे, मुझे तो नहीं लगता है। सुनो झोटवाड़ा आमेर सांगाने बगरू सीधे साधे बड़े बड़े लोग, जब मैं विश्वविद्यालय के अंदर अध्यक्ष था तो मेरी बड़ी इच्छा रहती थी कि मेरे जिले के बच्चे भी कम पढ़ते थे उस समय 20-25 साल, जयपुर के तो बहुत कम आते थे। तभी कहते थे भाई हम अध्यक्ष बने, ईश्वर की कृपा रही 4-5 अध्यक्ष लगातार बन गए। रणदीप के थोड़ा लफड़ा हो गया, कोर्ट कचहरी के अंदर जाके विश्वविद्यालय का अध्यक्ष बन जाता, लेकिन रणदीप चौधरी अध्यक्ष नहीं बना, लेकिन अध्यक्ष बनाने वाला बन गया, नेता बन गया, अध्यक्ष बना था विश्वविद्यालय के अंदर। ये भी आपकी माटी का लाल यही था। और मुझे खुशी होती है कि जब राजधानी के अंदर सबसे ज्यादा जयपुर जिले के बच्चों को किसान कौम की रखवाली करते हुए नारे लगाते हुए संघर्ष करते हुए देखता हूं तो सबसे ज्यादा खुशी होती है, क्योंकि जयपुर पर फतेह जब ही होगी जब जयपुर जिला मजबूत होगा किसान कौम का। पार्टी बनाए, तीसरा मोर्चा बनाए, बड़े बड़े नेता हुए राजस्थान के, अब स्वर्ग में सारे सारे वो अगर उस समय प्रयास करते तीसरी ताकत खड़ी करते तो मजा आ रहा है। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी सिर्फ दादागिरी करती राजस्थान के, हम भी उनका झंडा पकड़ लेते और हम भी साथ हो जाते, लेकिन दुर्भाग्य से उन्होंने कुछ नहीं किया सिवाय धोखे थे और आपस में लड़ते थे। एक आदमी जाता था मुझे नहीं बनाओ इसको बना दो, इसको बना उसको बना, उसी में लगे रहे जीवन भर, चीफ मिनिस्टर नहीं बना हमारा, इससे बड़ा क्या दुर्भाग्य होगा बताओ मुझे। आप दूसरे स्टेट देखिए देश के अंदर, तीसरा मोर्चा जहां भी बना है वहां उस स्टेट की एक बड़ी कौम साथ आई और उसके साथ शेड्यूल कास्ट आया और मुसलमान आया। देखिए आप हरियाणा उत्तर प्रदेश बिहार झारखंड ज्यादा क्षेत्र पार्टियां बनी साउथ के अंदर, वहां बड़ी कौम के साथ एक कौम का और गठबंधन हुआ। हमने प्रयास किया, आप सब कह रहे थे कि भाई साहब गठबंधन करो, आजाद समाज पार्टी जो दलित शोषित पीड़ित की बात करती है, आजाद समाज पार्टी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने गठबंधन किया जयपुर की धरती पे, और हमने तय किया कि हमारे बच्चे मिलकर इस राजस्थान की सत्ता पर कब्जा करेंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जोश जो जोश बच्चों के अंदर है,
जो धरती पुत्रों के अंदर है। अगर आपने जोश को 25 तारीख को पोलिंग बूथ तक पहुंचा दिया तो आपको सत्ता के अंदर आने से कोई रोक नहीं सकता। और सत्ता का मतलब ये नहीं कि 101 सीट आना, सत्ता का मतलब ये है कि हमारे बिना सरकार नहीं बनना, वही सत्ता होती है। तैयारी कर लो। एक चीज का ध्यान रखना कि हमें किसी के बेवकावे के अंदर नहीं आना। एक बार आए लोग तुमसे हिसाब किताब जरूर पूछना, कोई बीजेपी की बात कर तो उससे पूछना कि बीजेपी ने क्या क्या बता दो। प्रदेश के अंदर जब पेपर लीक हो रहे थे, प्रदेश में बहन बेटी अबला की जब इज्जत टूटी जा रही थी, जब छोटे भाइयों पर जुल्म हो रहा था, जब बजरी माफिया का आतंक था, उसमें भारतीय जनता पार्टी नहीं थी, सड़क से लेकर सदन तक कोई लड़ाई लड़ रहा था, वो आरएलपी का विधायक है, आरएलपी के जवान थे। देश को जब आवश्यकता पड़ी, सेना को ठेके पे दिया, किसान कौम को जरूरत पड़ी, ईआरसीपी की बात थी, चाहे बढ़ती महंगाई की बात थी, इस देश के अंदर अगर राजस्थान की पैरोकारी किसी ने करी तो नागौर के सांसद ने पूरे राजस्थान की पैरवी करी और किसान कौम के हितों पर कभी कुठा लगाते उन्होंने दिया। ये बीजेपी के लोगों ने नहीं, ये मैंने लड़ाई लड़ी थी। इन्हें वोट का हक राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का, या तीन विधायक हमारे थे, 5 साल गहलोत और बीजेपी ने मिलकर जिस तरह जनता को बेवकूफ बनाने का काम किया, आप बताएं। मोदी भी कांग्रेस के ईडी भेज रहा है और कांग्रेस वाले बीजेपी के लोगों के एससीबी भेज रही है, लेकिन गिरफ्तार कोई नेता हुआ क्या? तो फिर हमें क्या फायदा? हम तो कहते गिरफ्तार करो, जेल में डालो, उठाओ डालो। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, मैं अगर सत्ता के अंदर आ गया और मेरे बिना सरकार नहीं बनी तो गिरफ्तारें भी बड़ी तादाद के अंदर होगी और बड़ी जेल भी बनानी पड़ेगी। जांच कराऊंगा और जांच कराऊंगा तो जेल जाएंगे, और जेल जाएंगे तो हो सकता है सरकार घिर भी जाएगा। इसके लिए भी तैयार रहो, इसे आपको आगे के लिए भी तैयार रहना है। हनुमान को ताकत देनी है और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि देश के अंदर अगर मोदी और अमित शाह से कोई नहीं डरता तो देश के हार्ड कोर अपराधियों से नहीं डरता, तो किसान कौम की रखवाली के लिए चलती गाड़ी से उतर के अपने भाइयों की रखवाली करने के लिए जान हथेले पर रख के चलता वो नागौर का सांसद है, तो किसान कौम की रखवाली के लिए हर समय तैयार रहता है, जवान के लिए हर समय तैयार रहता है। जिसकी पार्टी का गठन जय जवान जय किसान के नारे के साथ हुआ और जिसने आश्वस्त किया था लाखों लोगों को कि जब भी जवान किसान को आवश्यकता पड़ेगी सत्ता छोड़ के मेरे भाइयों की रखवाली के लिए सड़क पर आ जाऊंगा, चाहे मेरी कोई गोली सीना चीर के भी चली जाए, मेरे भाइयों को तकलीफ नहीं पड़ने दूंगा। ऐसे व्यक्ति को आप लोग साथ दें। लंबी चौड़ी बात नहीं कहकर फिर मैं आह्वान करता हूँ कि अमेरिकन राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के छोटे भाई विनोद को भारी वोटों से आप चुनाव जिताएं और करते ही लग जाए। आपको ये नहीं देखना है कि कौन हार रहा है और कौन जीत रहा है, आपको वोटर को ज्यादा से ज्यादा हमें विधानसभा क्षेत्र से वोट देकर मान और सम्मान रखना।